सिमडेगा जिले के बोलबा प्रखंड में हाथियों ने किया तांडव। यहाँ आपको बता दें कि बोलबा प्रखंड मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी मालसाड़ा पंचायत अंतर्गत पाहनटोली डोरी जोर बड़ी जोरी में एक बार फिर हाथियों का तांडव देखने को मिला। प्रफुल्ला समत का घर तोड़कर लगभग 10 मन अनाज बर्बाद कर दिया और कुछ आवश्यक सामग्री को भी क्षति पहुँचाई गयी। आपको बताते चले कि इसके अलावा पाहनटोली के मार्कुस डुंडुंग के घर को भी क्षतिग्रस्त कर 4 क्विंटल लगभग हाथियों द्वारा धान एवं 1 बोरा बादाम बर्बाद कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फॉरेस्ट विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें जितना भी नुकसान हुआ है अभी तक आश्वासन नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि जितनी क्षति हुई है उतना मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही सोलर लाइट एवं हाथी भगाने के लिए पटाखा टॉर्च और मशाल उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। तोहर का नाम है क्या? मार्कुस डुंगडुंग। कौन सा गाँव पड़ेगा? मालसाड़ा पांटोली। तोहर का समस्या है? मोहर घर के धसाई दिलक। का धसाई दिलक? हाथी। अच्छा, तो तोहरे प्रशासन से का उम्मीद कराल? मेरे के तो जे सरकार वासे जे एथी मिले काहे के मिले जो चाहिए हमरे। अच्छा, मुआवजा मिले चाहिए। हाँ, और उकर अलावा सोलर बस्ती हो चाहिए, और एखन इतने तो राशन बर्बाद कर लग। तोहर बर्बाद कर लग? कितना लगभग धान खाए? लगभग 4 मन तक। 4 मन धान का है? और ये देख ले एठी चिनिया 1 बोरा। और का नाम है? फ्रांसिस करकेटा। हाथी बहुत आवेल हिने। तो का समस्या है तोर? हमार बटे लाइट चाहिए, इसन बारे बारे बटे लाइट देख पड़ी, और उकर बाद में जन जे हाथी मन धसाए कामना मन अगर मौजा मिलते हैं। अच्छा, लाइट तो एक घूमरे देख पड़ी। ठीक है, लाइट मन देख पड़ी। का नाम है तोर? प्रफुल्ला समत। तोर का समस्या है? हमार के हाथी धसाए दिलक, और बाती करेंट मन नहीं आवेल, हल मुर्ग दिक्कत होएल, बैठी सोलर के जरूरत होएल, ये तो सब के समस्या हुए। जे धान भी खा है? हाँ, धान खाए। कितना खाए? 1 बोरा खाए। 12 बोरा। अच्छा, तो फॉरेस्ट विभाग के बता ला तोहरे? हाँ बता ली। तो का कहलन? वो तो का कही कोनो नहीं कही है, हम हमें तो कह ली कि 10 मन तक आए धान हल, वो कहल कि थी थोड़े करना है कहेल, और 2 क्विंटल भार लगता बाप काले के होल से के तो मन ही जान भाई। अखंड भारत न्यूज के लिए जगन्नाथ सिंह की रिपोर्ट, बोलबा सिमडेगा।